डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्वाड्रेटर चैप्टर कर रहे थे तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज है पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आप लोग जानते हैं, जिसमें एक्स और वाई अलग अलग पैरामीटर टी और थीटा में दिया हो सकता है। तो इसमें बड़ा सिंपल वे है, आपको अगर इंटीग्रेशन एरिया निकालना किसी कर्व का, तो उसमें आप इसको अगर एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेशन है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा ए टू बी वाई। वैसे हम एरिया का फार्मूला ये करते थे याद, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो अगर वो टी में वेरिएबल है तो यहां पे डी एक्स अपॉन डी टी कर लो, इंटू साथ में डी टी कर लो। तो आपने ऐसे याद कर लेना, मतलब तो वाई को ऐसे कैसा लिख लेना, एक्स का डेरिवेटिव टी से कर लेना, जो सारा कुछ आ जाएगा उसकी इंटीग्रेशन टी से कर देनी द्वारा। और यहां पे जो लिमिट्स आएंगी वो टी की आएगी, टी ए से भी। ठीक है, सिंपल एग्जांपल देखिए यहां पे, फाइंड एरिया ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए एस क्यूब बी साइन। ये क्वेश्चन आपने रेक्टिफिकेशन में भी किया था, ये मैंने वहां पे ऐसा क्वेश्चन था, एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 वाई अपॉन 2/3। अगर ये क्वेश्चन का एरिया निकालना आ जाए, एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप इसको ऐसे लिख लोगे। ये एस्ट्रॉइड होता है, मैंने वहां भी बताया था, इसकी ये पैरामीट्रिक क्वेश्चन होती है। तो सब इतने से हिस्से का एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 0 से 90 टी की लिमिट होगी आपकी विद एक्स एक्सिस के हिसाब से। तो वाई डी एक्स डी टी डी टी, वाई का वाई उतार लिया गया जी, एक्स का डेरिवेटिव टी से कर लिया गया जी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे आपका लगेगा रिडक्शन फार्मूला जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो वहां से इसका आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो भी डायग्राम ऐसे ही बनता है इसका। ठीक है, ये होता है हमारा एस्ट्रॉइड। और ये क्वेश्चन भी वहां पे हमने किया था, उसमें रेक्टिफिकेशन में, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड की शेप ऐसे होती है या कई बार ऐसे बन जाती है। तो इसमें सीधे कोई अगर आपको नहीं शेप के बारे में क्लैरिटी, तो सिंपल अपना फार्मूला लगाइए, जैसे यहां पे लिखा गया था, ये वाला फार्मूला लगा लीजिए, वाई डी एक्स डी थीटा आ देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली उसने वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स डी वाई डी थीटा कर लिया, ऐसे भी लगा सकते हो। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि जो साइक्लॉइड होता है उसमें हमेशा लिमिट 0 से पाई लेनी है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है लेंथ में, उसमें भी 0 टू पाई लिमिट थी, यहां भी 0 टू पाई रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स का एक्स आ गया, डी वाई बाई डी थीटा डी थीटा। ठीक है जी, क्योंकि यहां पे लिमिटें हैं अलोंग दी वाई एक्सिस, अगर लिमिटें अलोंग दी एक्स एक्सिस हो तो आप डी एक्स अपॉन डी टी डी टी करना है। यहां पे हमने डी बाई डी थीटा डी थीटा किया, क्योंकि वेरिएबल थीटा में है, जरूरी नहीं हर बार टी से किया जाएगा। ठीक है, तो एक्स वैसे का वैसे लिख लिया गया, वाई का डेरिवेटिव थीटा से कर लिया गया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, इसको अलग अलग करके इसकी इंटीग्रेशन कर लेगी, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन, सॉरी यहां पे बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन होगी, फर्स्ट सेकंड फंक्शन, साइन स्क्वायर को लिख लिया गया 1 cos 2 थीटा। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन होगी सबकी, कॉस की ये तो इंटीग्रेशन हो चुकी है, यहाँ पे हो जाएगी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, लिमिट्स पुट करके इसका आंसर आ जाएगा। ओके बाय बाय बेटा, ये जो चैप्टर्स हैं इसमें थोड़ा सा डायग्राम का भी मुश्किल काम है, अगर आपसे होते हैं तो करिए, अच्छी बात है, ये एक्स्ट्रा चॉइस में जा रहे हैं आपके चैप्टर।